झाझा जमुई से बिंदु कुमार कश्यप के साथ वसीम अकरम की रिपोर्ट। झाझा नगर पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 14 में सोमवार को नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा पूरे मोहल्ले प्रत्येक गली को सैनिटाइज किया गया। इस कार्य में मणिकांत गौतम, सुशील प्रमाणिक, ओम प्रकाश साहू के साथ अनेक कर्मचारी शामिल थे। झाझा जमुई से बिंदु कुमार कश्यप के साथ वसीम अकरम की नगर पंचायत झाझा कर्मियों के द्वारा फॉगिंग मशीन चलाया जा रहा है वार्ड नंबर 14 में। देखिए बिल्कुल सक्रिय रूप से पूरे झाझा नगर पंचायत में लोग लगे हुए हैं। आइए आज फिर ब्यौरा लेते हैं प्रकाश जी से। प्रकाश सर बताइए आज क्या क्या आप लोग बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, बताइए आज के डेट में क्या क्या आप कार्य किए आज? आज तो सब सर्वप्रथम हम लोग पेट्रोल पंप जैसे पहुंचे जी, तो फिर थाना से खबर आया डीएसपी साहब थ्रू जी, सोनो प्रखंड में सोनो के आसपास में आग लगी हुई है गेहूँ के, हम लोग वहाँ आग बुझाने के लिए चले गए, आग बुझा काबू पा करके हम लोग पुनः वापस आए और फिर वार्ड नंबर 14 में सैनिटाइज करने के लिए हम लोग आए हुए हैं और ये युद्ध स्तर से कार्य चलेगा। जब तक ये 2200 वार्ड का कार्य पूर्ण नहीं होगी तब तक बंद नहीं होगा। बिल्कुल धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील प्रमाणिक जी, बताइए सर आज कहाँ कहाँ आज का नगर पंचायत में कहाँ कहाँ काम किए हैं और सोनों में भी बहुत सराहनीय प्रयास आप लोग किए हैं जिससे कि आग को बुझाया गया ये पता चला, तो सर कहाँ कहाँ सुविधा हुई सर, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई सर? आज सैनिटाइजेशन के क्रम में हम लोग वार्ड नंबर 14 में आज आए हुए हैं और आप लोग देख ही रहे हैं और सैनिटाइजेशन के काम कराने के साथ साथ लोगों को ये भी समझा रहे हैं कि आप लोग को सोशल डिस्टेंस बनाकर रहना है और जितना तक हो घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है धन्यवाद सर। सर बोला राजकुमार नगर पंचायत झाझा से हैं। हम लोग सभी स्टाफ अलग अलग वार्डों में काम करते आ रहे हैं, सैनिटाइजर का काम हो रहा है और आज तो जैसे ही हम लोग सैनिटाइजर के लिए निकले जैसे ही आग का खबर आ गया जिसके वजह से थोड़ा लेट में पहुंचे, लेकिन काम करने के लिए सब कर्मी आए हुए हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत सक्रियता है देख रहे नगर पंचायत में, इसके लिए हमारी चैनल आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती है, सारे स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापन करती है जी। धन्यवाद। We'll be right back.